दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी की, जो कि 1 अप्रैल को शुक्रवार को यहाँ पर उन कार्य परिषद की बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं और ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो क्या क्या यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और कब तक जमा करना है, ये सब डिटेल में देखेंगे। और नए टाइम टेबल में क्या चेंजेस किए गए हैं वो सब भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शुक्रवार को 1 तारीख को दोपहर तक इनकी मीटिंग हुई है विश्वविद्यालय कार्य परिषद की, फिर शाम को जाकर दिशा निर्देश तैयार करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है। तो वही दिशा निर्देश मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत लंबा है लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है देख, परीक्षा है विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए समय सारणी के अनुसार ही होगा, बिल्कुल सही है लेकिन आधा सच है, क्योंकि स्टार्ट उस डेट से होगी लेकिन खत्म ये उससे पहले भी होगी। तो कैसे खत्म होगी ये देखेंगे, क्योंकि स्टार्ट तो 16 अप्रैल से ही होगा, नया टाइम टेबल में आपको आगे बताने वाला हूं। और उसके बाद देखिए, उत्तर पुस्तिकाओं का जो वितरण है वो आपके परीक्षा केंद्र यानी कि कॉलेज से ही होगा, जो कि आज 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और ये बुधवार 13 अप्रैल तक यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाएं वितरण किया जाएगा। अपना एडमिट कार्ड दिखाकर आप अपने उत्तर पुस्तिका वहां पर ले सकते हैं। और प्रश्न पत्र की बात करें तो ये सुबह के 8 बजे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल, व्हाट्सएप में इसमें सब में आ जाएगा, और साथ साथ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल रहेगा। और इसको जमा कर सकते हैं आप उसी दिन जिस दिन आप पेपर रहेगा, उस दिन सुबह 8 बजे क्वेश्चन पेपर आएगा, आप लोग लिखेंगे, फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अपने परीक्षा केंद्र कॉलेज में जाकर जमा कर देंगे, ठीक है। आपको पता है सभी के लिए स्नातक के नियमित और रेगुलर वाले और प्राइवेट वाले, भूतपूर्व पूरक अंतिम अवसर और पीजी के यहाँ पर प्राइवेट वाले, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के नियमित और सेमेस्टर परीक्षा के नियमित भूतपूर्व एटीकेटी के स्टूडेंट्स, ये सभी लोग इसमें यहाँ पर शामिल होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो एडमिट कार्ड है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी को पता है क्योंकि ऑनलाइन मोड में है इसलिए पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और आरटीआई भी आप लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको कोविड से पीड़ित है, जिसको कोरोना हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी परीक्षा केंद्र को लिखित में या फिर ईमेल, व्हाट्सएप से देंगे, जिसमें छात्र अपना पूरा विवरण लिखेंगे जैसे कि नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र आदि सब लोग यहां पर, और कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट संलग्न करेंगे अगर कोई स्टूडेंट कोरोना से पीड़ित है। तो टाइम टेबल देखिएगा, टाइम टेबल में यहाँ पर स्टार्ट तो ये 16 अप्रैल से हो रहा है, यहाँ पर बीए भाग 1, 2, 3 का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए बीए भाग का यहाँ पर स्टार्ट तो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है पर्यावरण के पेपर के साथ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों का यहाँ पर नियमित और प्राइवेट दोनों के लिए है, ये नया पाठ्यक्रम पुराना पाठ्यक्रम। तो 16 तारीख से एग्जाम तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पुराने जो टाइम टेबल है उसमें 17 जून तक ये एग्जाम चल रहा था, जो अब इसमें जो चलेगा ये आपका एक भी दिन यहाँ पे छुट्टी नहीं रहेगा। पिछले वाले जो टाइम टेबल थे उसमें रविवार के दिन और सरकारी जो छुट्टियाँ थी उसमें छुट्टी रखी गई थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन होगा। तो देखिए 16 को शनिवार है, 17 को रविवार है, तो भी रविवार को ये पेपर होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो पेपर स्टार्ट पुराने टाइम टेबल में 16 अप्रैल से यहाँ भी स्टार्ट है, वहाँ भी स्टार्ट था, लेकिन ख़त्म जो है पुराने टाइम टेबल में 17 जून को ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है यहाँ पे 5 मई को ख़त्म हो जाएगी। तो 17 जून कहाँ और 5 मई कहाँ, तो 1 महीना पहले यहाँ पे, 1 महीना 1.5 महीने पहले ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं बात अपने पिछले वीडियो में ये कह रहा था कि यहाँ पर गैप को कम कर दिया जाएगा। तो देखिए रविवार को भी ये पेपर होगा, कोई छुट्टी नहीं है यहाँ पर, 16 से स्टार्ट होगा तो सीधा 5 तक कंटिन्यू पेपर होगा, ठीक है। तो ये है बीए का है, ठीक है। और उसके बाद आगे जाते हैं बीकॉम का, तो बीकॉम का भी यहाँ पर देखिए 16 से स्टार्ट होके यहाँ पर कंटिन्यू पेपर है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो रविवार को भी छुट्टी नहीं है। तो इसका देखिए आप लोग बीकॉम का कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो बीकॉम का भी यहाँ पर 30 अप्रैल को ही एक ही महीने में ख़त्म हो जाए, 15 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
जो कि यहाँ पर एक एक डेढ़ डेढ़ महीने लग रहे थे ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर 15 से 20 दिन में यहाँ खत्म हो जा रहा है। और बीएससी का यहाँ पर देखते हैं जो कि 16 अप्रैल से यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये देखिए खत्म कहाँ पर होगा, 8 मई को खत्म हो जाएगा। और पुराने में बीएससी का यहाँ पर 17 जून को खत्म हो रहा था, तो 17 जून और 8 मई तो 1 से 1.5 महीने के पहले ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है कि रविवार को भी कोई छुट्टी नहीं है और बीच में कोई छुट्टियां नहीं है यहाँ पर। अगर प्रशासन द्वारा यहाँ पर छुट्टियां घोषित की जाती है तो भी कोई छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही टाइम टेबल है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी विषयों के यहाँ पर टाइम टेबल है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का भी देखिए 23 अप्रैल को ही खत्म हो जा रहा है, जो कि 16 से 8 दिन में ही ये खत्म हो जाएगा। और इसमें यही फायदा है कि ऑनलाइन जो हो रहा है उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रखा गया है, रविवार हो चाहे कोई भी चीज हो यहाँ पर छुट्टी नहीं रखी गई, कंटिन्यू पेपर है। यहाँ पर देखिए एमए पूर्व इतिहास का 16 अप्रैल से चालू होकर 24 अप्रैल तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एमए पूर्व अर्थशास्त्र का 16 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक यहाँ पे मतलब 9 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एमए पूर्व राजनीति का भी यहाँ पर 24 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, तो 8 से 15 दिन के अंदर पूरे पेपर यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं। और एमए एमएससी पूर्व गणित का यहाँ पर 16 अप्रैल से स्टार्ट होके यहाँ पर देखिए 20 तारीख को ही खत्म हो जा रहा है, 20 और ये 25 अप्रैल को ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 8 से 10 15 दिन के अंदर ये खत्म हो जा रहा है, जो कि डेढ़ डेढ़ महीने यहाँ पर 2 महीने लग रहे थे वो 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पे पूरे परीक्षा आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरा टाइम टेबल है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।